इश्क झांसी में फायरिंग के एक आरोपी ने जेल से छूटने के बाद करीब 100 गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला, जिससे कानपुर झांसी पर जाम जैसे हालात बन गए। आरोप है कि जुलूस में शामिल कई गाड़ियों में हूटर भी बजाया गया। आरोपी का नाम रिंकू राजपूत बताया गया। आरोप है कि उसने पिछले साल अप्रैल में रेत खनन को लेकर फायरिंग की थी और उसी मामले में उसे जेल भेज दिया गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद रिंकू राजपूत के समर्थकों ने उसके सम्मान में वहां जुलूस निकाला। जुलूस में एक दो गाड़ियां नहीं बल्कि 100 लग्जरी गाड़ियां शामिल हुई। इसके अलावा 25 से 30 मोटरसाइकिलें भी जुलूस में कारों के आगे चलती दिखाई दी, जबकि रिंकू गले में माला पहनकर काले रंग की कार के ऊपर बैठा नजर आया। कभी वो गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हाथ से इशारा करता तो कभी वो पीछे मुड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन करता दिखा। इस दौरान जुलूस में शामिल गाड़ियां जोर जोर से हूटर भी बजाती रही। हूटर बजाते और नारेबाजी के बीच कई घंटे तक ये काफिला शहर में घूमता रहा। इस दौरान आरोपी ने 65 किलोमीटर का सफर तय किया। इससे पहले जेल से निकलने पर रिंकू के समर्थकों ने उसका स्वागत किया, फूलों की माला पहनाई और फिर उसके समर्थन में वहां नारे लगाए गए। उसके गले में बीजेपी का पटका भी नजर आया। बाद में उसके समर्थकों ने जुलूस निकाला। इस दौरान झांसी कानपुर हाईवे पर जुलूस की वजह से 2 घंटे तक जाम लगा रहा। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बीच बिहार के दरभंगा में राज्य के पूर्व मंत्री और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। करीब 65 साल के जीतन सैनी का शव उनके घर के अंदर बेड पर मिला। पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता की हत्या से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, क्योंकि जिस तरीके से घर के अंदर घुसकर उनके पिता की हत्या की गई उसे देखकर लोग बुरी तरह सहम गए। बदमाशों ने जीतन सैनी की हत्या करने के लिए उन पर कई बार धारदार हथियार से वार किया। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से हमले की वजह से उनके पेट की आंतें तक बाहर निकल गई थी। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए उनकी हत्या की। ये घटना दरभंगा जिले के घनश्यापुर थाने के जीरत गाँव की बताई गयी। जानकारी के मुताबिक मुकेश सैनी की माँ की 10 साल पहले मौत हो चुकी है और उनके पिता घर पर अकेले रहते थे। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि एक रोज पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। एक तो कोई बच्ची आने के लिए आया था फूल देने के लिए, वो लाश को देखा, उसके बाद जो है सो हल्ला किया है। घर के अंदर जीतन सैनी का शव देखकर लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंचकर अपनी जांच में जुट गए। जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर की अलमारी और बक्से टूटे हुए मिले और इसी वजह से ये शक जताया गया कि चोरी करने के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने उनकी हत्या की होगी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने फौरन बदमाशों को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम बना दी। सूत्र के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर से कई ऐसी चीजें मिली जिससे हत्याकांड के पीछे साजिश का शक गहरा गया, क्योंकि जीतन सैनी के कमरे में मौजूद एक टेबल पर 3 खाली ग्लास थे। इसके अलावा घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। यही नहीं, घर के पीछे पानी से भरे एक गड्ढे में लाल रंग का एक बक्सा भी बरामद हुआ, उसमें कई अहम दस्तावेज भी मिले। इसी वजह से ये आशंका जताई गई कि उनकी हत्या करने वाले उन्हें जानने वाले थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत उनकी हत्या की। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए एसआईटी की एक टीम बना दी। टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। जांच में इस बात का पता भी चला कि जीतन सैनी की देखभाल के लिए 2 लड़के उनके साथ रहते थे जो 10 दिनों से घर पर नहीं थे। मतलब वारदात के वक्त मुकेश सैनी के पिता घर पर अकेले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। जीतन सैनी के 2 बेटे मुकेश और संतोष हैं। मुकेश सैनी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रह चुके हैं। उनकी रिंकू सैनी नाम की एक बेटी भी है जिनकी शादी हो चुकी है और वो मुंबई में रहती हैं। और जिस वक्त बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उस वक्त मुकेश सैनी मुंबई में थे। मुकेश सैनी इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा से चर्चा में आए थे। उनके पिता की हत्या के बाद विपक्षी पार्टियों ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हाजीपुर में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नीतीश सरकार का विरोध किया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में सरकार के खिलाफ और हथियारों को पकड़ने से जुड़े नारे लिखी तख्तियां दिखाई दी। इस दौरान उन लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मुकेश सैनी के पिता की बेरहमी से हत्या के बाद आरजेडी ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। जाहिर तौर पर इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं,
लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। हालांकि आरजेडी के इन आरोपों को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने खारिज कर दिया। उन्होंने ये भरोसा दिया कि मुकेश सैनी के पिता के हत्यारों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी कल्प्रिट हैं, वो पकड़े भी जाएंगे, उनको सजा दिलाने का काम भी शासन करेगा। खबर है कि इस घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सैनी से बात की और इस घटना पर दुख जताया। वहीं पुलिस इस हत्याकांड से जुड़ी हर एक चीज खंगालने में जुट गई। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया ताकि जल्द से जल्द इस हत्याकांड की पूरी साजिश से पर्दा उठाया जा सके।